कहिए दादू, अभी तुम जानदान हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि महीना सावन भादो का गुरु होता है। लेकिन दादू, हमारे हिंदू धर्म में न बहन बेटी का गौना दिया जाता है और न किसी के बहन बेटी का गौना लाया जाता है। ठीक है दादू, आप सच कह रहे हो, लेकिन सावन भादो के महीने में तो किसी भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन की बात है दादू, सुनो मेरी बात को, ये भी तुम्हें नहीं मालूम है। मुझे नहीं मालूम है भगवान किसका जन्म हुआ था जब, तो सुनिए कहिए। अरे भादो मा जलाने जब किसाना का भैया, तो क्या हुआ दादू? सुनो मेरी बात को, बोलिए तो दादू तुम्हारा ना मानव बचनिया, दादू तुम्हारा ना मानव बचनिया, लब जब अपन कहिए दादू, मान जाइए मेरी बात को, हम भी कभी नहीं मान सकते हैं। सुने कहिए, सावन का और भादो का महीना गुरु होता है। लेकिन दादू, वही बात मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए कहिए। अरे भाषा गवाना बेटा फूला, सुनो मेरी बात को, कहो ना, या तो बुझाई हो गई है गाना, या तो बुझाई हो गई है गाना, बुझा तो यही जाना सिंह। कहिए दादू, सुने अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे बड़े भाई धीरा को समझाऊंगा और तुम्हारे गाने का तैयारी करूंगा। ठीक है दादू। धीरा सिंह जी? हाँ दादू। देखिए चंदन लाल ने तो उज्जैन में आग लगा दिया, क्या हुआ? ये तो बात गौने का विजय को मालूम नहीं था, ये चमन लाल का बताया हुआ है ना, और वो गरुड़ अखाड़े में 12 साल हो गया आज तक आया नहीं उज्जैन को। लेकिन
धीरा सिंह जाओ, हमारे कहने से नहीं मानता है, हो सकता है तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हारा मान मर्यादा की कोई तरफ तुम्हारा कहना मान जाए तो ठीक है। ठीक है दादी, अगर विजय सिंह आपके समझाए से नहीं माना तो उसे मैं अवश्य समझाऊंगा। आ जाइए मनाइए विजय सिंह। कहिए बड़े भैया, क्या तुम दादू से बकवास क्यों करते हो भैया? अरे बड़े भैया, अरे तारा लिखा पत्र में फिर ही ना शर्म आते हैं, बैठे हैं उज्जैन में भैया, नहीं लजाते हैं। विजय सिंह बोलने की क्या बात है, इसलिए मैं जा सकता हूँ, महीना है शान भादा बड़ा, इसलिए मैं दोनों ला सकता हूँ। बड़े भैया, छत्तीस को इसके अंदर छत्री पल कहलाता है, दुश्मन से बेहतर भागे बस पैर को कहलाता है। सिंह राजा है बोली जो भागवत परिवारा देता है, फाड़ के भागो विजय सिंह पद को तुम्हारे गौरव में क्रम। अरे भैया, पाप किया लंका में रावण और जो थे राम ने जन्म लिया, पापी कस भागवत श्री कृष्ण। विजय सिंह तुम्हारे कहने से गौरव नहीं आएगा। अरे भैया, काट करू बॉडी को, जस्मानी का सिर काटूंगा, रानी तिरका का डला अपने अंग तक लाऊंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हारे कहने से गोंदा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि महीने सावन भादो का है, हम नहीं मानते हैं। और तुम नादान हो, हम नहीं मानते हैं ना। सुनिए, अरे बारी भैया। विजय सिंह तुम नादान हो अभी और गौर लाने के काबिल नहीं हो भैया। लेकिन बड़े भैया, आप 12 वर्ष की बात कर रहे हो, तो सुनो मेरी बात को। तो बड़ा है बारिशा सुनो मेरी बात को। हाँ सुनो, हो बड़ा है बारिशा क्या उदल की बात कर रहे हो? जी हाँ भैया, 12 वर्ष के उदल थे तो बदला लेने के मामले में गए थे ना। हाँ हाँ भैया, लेकिन वो क्या नहीं गए थे भैया? क्या कहा? जानते हो कौन गया था साथ में? कौन गया था? अरे बात हो उदला गई Thank you.
बदल बाप को बदल लेने मालूम में गया था तो उसके साथ में फिर अली खान था भैया। लेकिन बड़े भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनो तो जल जल है सहारी गढ़ जाना आप गलत कह रहे हो। क्यों? कि मैं आपका मदद किया हूँ। मदद का बदला मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, कोई उधार नहीं मांग रहा हूँ। क्या मदद मांग रहा है? जी हाँ। कैसे मदद तुम्हें मांग रहा है? याद कर लो भैया, मुझे तो मालूम नहीं है। तुझे नहीं मालूम? जी नहीं। क्या बताना पड़ेगा? बताइए। तो सुनो मेरी बात को। तो बड़े भैया तुझे किस बात का शर्म है? सुने कमीना मेरी बात को। कहिए। तो महल छोड़ कर विजयी अभी भाग ये तो बात भैया सच है कि मैं आपकी तरह काल बन के जी नहीं चाहता हूँ। आप कायर है भैया, लेकिन सुनो मेरी बात को। तो महल छोड़ कर के अभी भाग जा सुना।
चलो हम लोग यहाँ से चला जाए। जय मान और सम्मान की कदर ना हो, इज्जत ना हो, वहाँ रुकना हमें ठीक नहीं। हाँ चमालाल, चलिए भाई चलिए चलिए। कहाँ पे है विजय सिंह? मुझे क्या मालूम विजय सिंह? ये कैसे बोल रहे हो भाई? तुम्हें क्या मालूम है? और क्या? कहाँ पे गया? मुझे क्या मालूम मालूम, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? चंद्रलाल, चंद्रलाल कहाँ पे है? चंद्रलाल, इस राज दरबार में किसी किसी का कोई इज्जत नहीं, किसी का कोई कदर नहीं, किसी का कोई। लेकिन कारण क्या है? महाराज आपने मुझे बुलाया है। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि विजय सिंह कहाँ पे है? आपको नहीं मालूम महाराज? मैंने तो ये कहा था धीरा सिंह को कि हमारे समझाने से नहीं मानता, उसको समझा दिया। विजय भैया ने उन्हें मार मार कर और घर से भगा दिया है, धीरा सिंह भैया ने। धीरा सिंह? हाँ बोला ये धीरा सिंह। हाँ, और तो और मैं भी जा रहा था लेकिन अचानक आपने आवाज दे दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा महाराज। धीरा सिंह को बुलाइए। बुला ले जी। धीरा सिंह जी। हाँ दादू, देखे क्या, जब वो तुम्हारा छोटा भाई, तुम उससे बड़े छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाते हुए तुमने शर्म नहीं खाया? अरे दादू मैं क्या बताऊं, सावन भादो के महीना में किसी का गौना आता है या शादी होता, मुझे बताइए। क्या बकवास, तुम उससे नहीं किया था? वो नहीं मानता था, इसलिए मैं उसे मार पीट कर भगा दिया। लेकिन ये बताइए वो गया कितना दूर होगा? अभी महल से आगे गया होगा। चंद्रलाल जाओ, विजय सिंह जहाँ गया हो उसको ढूंढकर तत्काल दरबार में पेश करिए। कोई मार के खेत दे कोई बुलवावे। वे साले खेत देने की बात छोड़िए, आग उज्जैन में तुम्हें ने लगाया ना, उसको गौने का परवाना तुम्हें ने बताया, ढूंढे कौन जाएगा रे? हाँ वो तो मैंने बताया। और क्या बात कर रहे हैं महाराज जी? अच्छा खैर, कैसे वो जान गया? क्या बात है चमनलाल? क्या बात है, क्यों बुला लाए? अरे विजय ने कहा था मार के भगाओ। अच्छा, मार के भगाओ। सुना हूँ और यज्ञ कहलाओ बलाई। ये बात है जी। अब बताओ हम क्या करें? तो पूछो क्या करने के बुलाए हैं हमको? हाँ जाओ पूछो क्या करने के हमको बुलाए हैं? फुर्सत पे बुलाए हैं? बहुत मारूंगा। जाओ पूछो हमको क्या करने के लिए बुलाए हैं? जमाना आ गया है, जवान सही नहीं निकलता है बकरी। महाराज बुला के लाए और पूछ रहे हैं कि कहां के लिए बुलाए हैं हमको? विजय सिंह सामने आइए। दादू क्या बात है, तुम्हें शर्म नहीं महसूस आता है? किस बातों का? ये राज उज्जैन का छोड़ सकते हो लेकिन दो महीने का टाइम गाने का नहीं दे सकते हो। हम कष्ट ही नहीं मान सकते हैं, हम मुझे सोच सकते लेकिन गुना लाएंगे तो लाएंगे। सुनिए, अरे जय सही बेटा मारा धीरा गारा भैया, जय सही बेटा मारा धीरा गारा भैया,
ये बात है तो बताओ हम क्या करें। कहिए ना। तो बताओ ठाकुर हम क्या करें। और सुनिए कहिए। अरे राजा बेटा धीरा करा हेलो विजय सिंह। कहिए दादा। मैं तुम्हारे गाने का तैयारी बनाऊंगा लेकिन तुम्हारे भाई धीरा को समझा बुझा के इसी वक्त तुम्हारा गाना लाने चलूंगा। ठीक है दादा समझाइए। ठीक है विजय सिंह जाइए। क्या है दादा। सुनो धीरा सिंह। अरे इतना राहदारी करना चाहिए। जानते हो कि विजय सिंह बहुत बचपन का जिद्दी है। अरे दादू तो मैं उससे कम जिद्दी नहीं हूँ। वो मुझसे छोट है मुझसे जिद करेगा। धीरा सिंह जब कक्कड़ के नीचे हाथ दब जाती है तो आराम से खींचा जाता है। अगर तेजी से खींचोगे तो हाथ फट जाएगा। सही कह रहे हो दादू क्योंकि छोटा ही बच्चा है ना। हाँ उसको समझाना चाहिए। लेकिन एक बात और हमारे समझ में आता है। सुनिए क्या है दादू। कि विजय सिंह को अभी चारों युगों का बात नहीं मालूम है क्योंकि 12 साल उन्होंने गरुड़ अखाड़े में लड़ाई लड़ा। राजनीति उसे मालूम नहीं है। जाओ उससे सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों युगों का बात पूछिए। बता नहीं पाएगा आसानी से गौना चल जाएगा। लेकिन उसे कह देना कि हमारे बात का जवाब अगर दे दोगे तो तुम्हारा गौना लाने के लिए इसी वक्त तैयारी बना। अगर नहीं जवाब दे पाओगे तो मैं तुम्हारा गाना लाने नहीं जाऊंगा। ठीक है जाइए। लेकिन दोबारा वो तुम्हारा छोटा भाई है उसके ऊपर हाथ ना उठाना। हेलो। हाँ दोस्तों माताओं बहनों मैं और हमारे कंपनी श्री गोल्ड आइडियो के माध्यम से हमारे श्री नदीम भाई साहब के अनुकंपा द्वारा हम लोग दोनों भाई के बीच में आज चारों युगों के बातें पूछा जाएगा। अगर वो उसका उत्तर दे देगा तो मैं गौना लाने जाऊंगा। अगर उसका उत्तर नहीं दे पाए तो उसका गौना मैं खिला पे ही लाऊंगा। सुनिए विजय सिंह। कहिए भैया क्या बात है। भैया देखिए तुम्हारा मैं गौना लाने चल सकता हूँ तो ठीक है चलिए। लेकिन एक शंका मुझे। क्या कहा। एक भेद की बातें बताना होगा तुमको। मुझको बताना होगा। चारों युगों के बाद तुमको बताना होगा। जैसे सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग के बारे में भैया अगर इसका उत्तर दे दोगे तत्काल तुम्हारा गौना आ जाएगा। तो ठीक है बड़े भैया। अरे पूछिए। अरे मुझे मालूम होगा तो मैं हर बातों का उत्तर दूंगा। ठीक है हमारे गोल्ड आइडियो कश्मीर के माध्यम से आप लोग सुने और गौर कीजिए। और हमारे सहायक श्री नदीम भाई साहब सुने विजय सिंह आ जाइए सतयुग में
अरे कुआरी ही कन्या पिया सगा खेले माने माना काटार बोशो पियाना माने माना काटे बोशो पियाना वही काना के भैया नामा बताई दे भैया विजय सिंह हमारे कहने का मतलब है अरे कुआरी रहे पति संग खेले पिता भवन संग जा रही तीन लोग सिर पर धरे मंद मंद मुस्का रही उस कन्या का क्या नाम है उसका नहीं ससुराल का भी है तो ठीक है भैया ये बात है तो सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से आज केवल बड़ा सा जाइए ना तो कुआरी रहाई भैया चलिए ना उत्तर तुझे बता दिया ना जी हाँ अभी तो तीन बातें बाकी पड़ा है तो ठीक है पूछिए द्वापर त्रेता और काजू के भैया आ जाइए द्वापर में भैया तो ठीक है पूछिए ना अरे कहा गाड़ी ऐसा कैसी सधारा है कहा गाड़ी ऐसा कैसी सधारा कहा जनक ससुरारिया
विजय सिंह कहिए भैया, हमारे कहने का मतलब है कहाँ कलेश का शीश धरा है जो भगवान शिव ने गणेश जी का शीश काट दिया था। जी हाँ, कहाँ कलेश का शीश धरा है, कहाँ शंभु का है दरबार, कहाँ अमावस छुपे चंद्रमा, कहाँ जनक का है ससुराल, इसका उत्तर बताइए, तुम्हारा गाना मैं अवश्य सुना दूंगा। तो ठीक है बड़े भैया, अरे आपके वाले पगार सजाइए ना, बताइए ना, मैं अवश्य चल दूंगा। तो सुनो मेरी बात को, तो छिपी पताली अमावस जागरमा, है कौन लेना जाने पड़ेगा दोस्तों, छिपी पताली अमावस जागरमा, चलिए ना। अरे भैया विजय सिंह, तुम हर बातों के उत्तर देते जा रहे हो ना। जी हाँ, लेकिन एक बात और है, प्रेता जुटी कहानी भैया पूछिए सुनिए। अरे कहा टूटे से नी का भाला लागे, ये बात है। अरे बड़े भैया टूट जाता है तो खुद का नहीं लगेगा, कहा टूटे से नी का भाला लागे, कहा कहा भाया खुशहाली आना, यही करे फूलावल बोरी क्या कहा विजय सिंह कहिए। ये त्रेता युग की कहानी है, हमारे कहने का मतलब यह है कि क्या टूटने से अच्छा लगा, हाँ हाँ, और किसको खुशहाल हुआ था भैया, हाँ, और क्या नाये से अच्छा लगा, किसने फूलों का बारिश किया था भैया। तो भैया तुम्हारा गौरव मैं सुना दूंगा। तो ठीक है मेरे भैया, इसका भी उत्तर दे रहा हूँ, आप क्या बला सजाइए ना बड़े भैया, सुन मेरी बात को, तो धनुहा टूटने का भला लागे, खुशी भाई की धारा नगरिया, खुशी भाई की धारा नगरिया, अरे भैया चलिए आ जाइए कलयुग के बारे में, भैया क्या कहा, आ जाइए कलयुग के बारे में तुमको बताना है, हमारे गोल्ड आईडियो के माध्यम से आपको कलयुग के बारे में तुमको बताना होगा भैया। तो ये बात है तो पूछे ना, सुनिए भैया। अरे जा बालाड़ी का कई भैया भाई ले जा, भैया
कहिए भैया, हमारे कहने का मतलब है कि जब लड़का का जन्म हुआ जी हाँ तो सवा हाथ धरती ऊंचा हो गया भैया। हाँ हाँ, और जब लड़की का जन्म हुआ सवा हाथ धरती नीचे कैसे हो गया भैया? हमारे बोर्ड आदि कैसे के द्वारा माध्यम से आप बताइए ये बात है भैया। तो सुनो मेरी बात को, बताइए भैया। जब भैया भाई ले ये तो लड़की के बारे में हो चुका है। हाँ हाँ, और लड़की के बारे में जानना चाहते हो? जी हाँ भैया, बताइए। तो सुनो मेरी बात को, तो राजदाची खरे जला में करीना लगता है कोई नहीं जाना पड़ेगा। राजदाची खरे जला में करीना सुखे सभी भाई भैया। देखिए आपने पूछा, हमने हर बातों का उत्तर दिया है। हाँ हाँ भैया, लेकिन हमारे एक बातों का उत्तर दे दो तो मैं कसम खा रहा हूँ जिंदगी भर की जगह गौना नहीं रहूंगा। क्या तुम भी पूछना चाहते हो? जी हाँ भैया, हम भी पूछना चाहते हैं। ठीक है विजय सिंह, तुम पूछिए, अगर मुझे मालूम होगा तो बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारा गाना और सुनाऊंगा। तो ठीक है भैया, सुनो मेरी बात को। तो पता नहीं अदालत कई का माला गेरा फूला, पता नहीं अदालत कई का माला गेरा फूला, कुछ रुपये
सुन को बता जला माना गंगा चकर बिटिया बताई दिया भया गंगा चकर बिटिया बताई दिया भया नाही नहीं भया पाना गाना चलो भैया बताइए ना। अरे विजय सिंह तूने तो इतना बड़ा छेड़खानी कर दिया, ये तो मुझे मालूम नहीं भैया।